फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। अब हमें पता है कि इंटीजर को हम कैसे प्लस करेंगे, फ्लोट मीन डेसिमल पॉइंट जिस नंबर में हो उसको कैसे प्लस करेंगे, इसी तरह करेक्टर डेटा टाइप जिस तरह उसका टाइप है उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो हम जानते हैं। लेकिन कंप्यूटर नहीं जानता कि किस किस्म का डेटा वो प्लस करेगा, कि किस किस्म का डेटा इस वेरिएबल में स्टोर होगा और कितने बाइट्स इस वेरिएबल के लिए रैम में मुख्तस होंगे। डेटा टाइप डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज, किस किस्म की वैल्यूज वेरिएबल को दी जाएगी, एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशंस। अब करेक्टर पे जो ऑपरेशन होगा वो इंटीजर से मुख्तलिफ होगा। ऑन दोज वैल्यूज डेटा टाइप टेल्स द कंपाइलर। अब डेटा टाइप क्या बताए, जिस तरह इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर, ये कंपाइलर को क्या बताते, व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल विल स्टोर, वेरिएबल में किस किस्म का डेटा आएगा, करेक्टर आएगा, फ्लोट मीन जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, या इंटीजर जो होल नंबर होते, किस किस्म का डेटा उस वेरिएबल में स्टोर होगा डेटा टाइप बताता है। एंड व्हाट टाइप ऑफ व्हाट विल बी द रेंज ऑफ वैल्यूज, और वैल्यू की रेंज क्या होगी। अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम मे नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ईच टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस आर करेक्टर है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन एंड अनसाइंड डेटा टाइप। ये आपके पास डेटा टाइप करेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन। करेक्टर डेटा टाइप, करेक्टर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर सिंगल करेक्टर वैल्यू। सिंगल करेक्टर मतलब ए जिस जो सिंगल कोट में हो, बी, ठीक है, या प्लस कीबोर्ड पे जितने भी कीज़ है अगर हम उनको सिंगल कोट में कर ले तो वो करेक्टर कांस्टेंट बनाते हैं। इट टेक्स वन बाइट इन मेमोरी, सिर्फ एक बाइट, और जो वैल्यू होगी वो सिंगल कोट में बंद होगी। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट ए बी सी, नंबर आर स्पेशल सिंबल्स। करेक्टर वैल्यूज आर नॉर्मली इनक्लोज इन सिंगल कोट। याद रखिए करेक्टर डेटा टाइप से पता चलता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल नंबर, स्पेशल सिंबल पर मुश्तमिल होगी, लेकिन वो सिंगल कोट में इनक्लोज होगी। जिस तरह करेक्टर जेंडर, जेंडर इज़ अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप करेक्टर, जेंडर इज इक्वल टू एफ सेम सिंगल कोट, सो एफ इज़ अ करेक्टर कांस्टेंट विच इज़ असाइंड टू जेंडर। इट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल करेक्टर सच एज ए सिंगल कोट, एक्स सिंगल कोट, फाइव एंड हैश। अब ये सिंगल कोट में है तो ये सारे करेक्टर है, करेक्टर कांस्टेंट है। करेक्टर फाइव इज प्रोसेस डिफरेंटली देन इंटीजर फाइव, इसलिए कि यहाँ पे तो ये इंटीजर है और जब सिंगल कोट में जो कुछ इनक्लोज हो जाए सी लैंग्वेज में तो वह करेक्टर कांस्टेंट होता है। इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन करेक्टर वैल्यू, द करेक्टर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड लाइक नंबर्स। ये करेक्टर पे ये ऑपरेशन हो सकते हैं। जेंडर इज़ अ करेक्टर टाइप वेरिएबल दैट ऑक्यूपाइज वन बाइट ऑफ मेमोरी, इसलिए कि करेक्टर के लिए एक बाइट मेमोरी हर एक वेरिएबल के लिए मुख्तस होगी, तो जेंडर वेरिएबल है और रैम में सिर्फ एक बाइट जो है इसके लिए मुख्तस हो जाएगी। एंड स्टोर करेक्टर कांस्टेंट, एफ विच इज़ स्टैंड फॉर फीमेल। इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर जिस जो होल नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, 100 है, 50 है, 2 है, 3 है, द डेटा टाइप विच स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू सच एज 30, माइनस 100, इट सब टाइप्स आर, इसके भी फिर सब टाइप्स हैं, इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग। इन डेटा टाइप्स द कीवर्ड इन स्टैंड फॉर इंटीजर डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस एंड नॉर्मली ऑक्यूपाइज टू बाइट्स, रैम में इसके लिए दो बाइट मुख्तस हो जाते हैं, 16 बिट्स। एम एस बी इज़ यूज फॉर साइन एंड रिमेनिंग 15 बिट्स आर यूज फॉर मैग्नीट्यूड वैल्यू। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो साइन के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब प्लस या माइनस साइन, और जो 15 डिजिट्स हैं वो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। अ 16 बिट इंटीजर में फॉल इन द रेंज माइनस 2 रेज पावर 15 टू 2 रेज पावर 15 माइनस 1, विच मीन्स दैट इट कैन स्टोर वैल्यू इन द दिस रेंज। शॉर्ट इन डेटा टाइप, शॉर्ट जिस तरह
नेम से ज़ाहिर है कि जिसमें शॉर्ट इंटीजर मतलब जिसकी वैल्यू कम होती है वो उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। टू डिक्लेयर द शॉर्ट इंटीजर डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस इट ऑक्यूपाइज टू वर्ड्स। उसी तरह जिस तरह इंटीजर इस ये भी टू वर्ड्स को के लिए इस टू बर्ड्स मेमोरी में इसके लिए मुख्तस हो जाते हैं। इट मे फॉल इन द रेंज वही रेंज है इंटीजर की विच मीन्स दैट इट कैन स्टोर द वैल्यू फ्रॉम -32768 to 32766। लॉन्ग इंटीजर इसके लिए फोर वर्ड्स रिजर्व होते हैं मेमोरी में और लॉन्ग बहुत बड़े इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको स्टोर करने के लिए लॉन्ग इंटीजर इस्तेमाल होता है विच मीन्स दैट इट कैन स्टोर वैल्यू इन द रेंज ऑफ दिस टू दिस -2^31 to 2^31-1। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है और इसके लिए हर एक वेरिएबल के लिए फोर बाइट्स रैम में मुख्तस हो जाते हैं। इंटीजर आर ओनली यूज फॉर स्टोरिंग होल नंबर ये जितने भी इंटीजर के हमने टाइप्स पढ़े होल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो स्टोर करते बट समटाइम्स वी नीड टू स्टोर एवरी वेरी लार्ज नंबर आर नंबर विद इन अ डेसिमल पॉइंट तो बड़े नंबर को या डेसिमल पॉइंट जिसमें होता है उसको स्टोर करने के लिए हम फ्लोटिंग डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। द डेटा टाइप विच आर यूज टू स्टोर सच टाइप ऑफ डेटा आर का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसकी मिसाल के 4.02.3, 3.33, 0.12, 26 ये जो है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है तो इसको स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हम इस डिक्लेयर करेंगे फ्लोट डबल लॉन्ग डबल। बूलियन डेटा टाइप बूल ये भी कीवर्ड है यूज टू रिप्रेजेंट बूलियन डेटा टाइप वो डेटा टाइप जिसका रिजल्ट या ट्रू होता है या फॉल्स होता है और ये ऑक्यूपाई करता है 1 byte ऑफ मेमोरी। बूल मीन ट्रू आर फॉल्स इट इज़ केपेबल ऑफ होल्डिंग 1 of 2 values ट्रू आर फॉल्स इट ऑक्यूपाइज 1 byte ऑफ मेमोरी।